हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो इस वीडियो में हम तीनों सेक्शन के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चों के लिए, तो इसी वजह से मैंने इसकी वीडियो बनाई है। इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए सॉल्यूशन वाइज, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेशन दें अपना। तो सेक्शन ए में, जैसा कि आपने पहले सेमेस्टर में देख लिया होगा, इसमें तीन सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी। एंड पहले सेक्शन में जितने क्वेश्चन आते हैं वो दो दो नंबर के होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेथॉक्सी पेंटेनोइल क्लोराइड। तो ये बेसिकली IUPAC से पूछा गया क्वेश्चन है कि मतलब उसका नोमेनक्लेचर ऐसे देकर दे दिया है, अब इसको पढ़ के आपको इसकी स्ट्रक्चर बनाना है। बस इसमें आप स्ट्रक्चर बना के इसका नाम लिख दोगे जो दिया हुआ, तो आपको दो नंबर मिल जाएंगे। एंड सेकेंड में IUPAC नोमेनक्लेचर कर देना है उसका। एंड थर्ड जो है वो सेटजेफ रूल है। सेटजेफ रूल, ये जो क्वेश्चन है अभी तीनों चारों क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पाँच नंबर के सेक्शन बी सेक्शन सेक्शन सी में भी देखने को मिल सकता है। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके इसकी प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कर लेंगे। 70% चांसेस है कि ये आपको पेपर में मिल ही जाएगा। सेटजेफ रूल वो होता है कि जब अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो फॉर्मुलेशन होता है या फिर सिंथेसिस होती है, जब सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड की तरफ जाता है, मतलब कि अल्केन से अल्कीन बनता है, डबल सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम का एडिशन करा के एलिमिनेशन करा के जब हम बनाते हैं, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसको उसमें ये रूल फॉलो होता है और सब जो स्टेबल अल्कीन होता है उस पर जो हाइड्रोजन एटम होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम सबसे ज़्यादा होते हैं, मतलब कि अल्कीन हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को स्टेबल अल्कीन माना जाता है। और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि उस पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, तो ये रूल उसी को डिफाइन करता है। एंड उसके बाद डाई एल्ड्रेस रिएक्शन है, कॉन्जुगेटेड डाई, इनका थोड़ा सा बेसिक मैकेनिज्म है। अगर आप इसको पढ़ोगे या फिर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, इसकी मैं डिटेल्ड वीडियो मैकेनिज्म की बना के प्रोवाइड करा दूंगा आपको। फिर उसके बाद टू रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये सारे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, फ्री के क्वेश्चन हैं। डिस्कस अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, ये तो आपने 11th 12th में इंडक्टिव इफेक्ट, अगर आप मैथ्स या बायो बैकग्राउंड से हो तो भी आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली आपके जो रिएक्शंस होती हैं उनकी स्ट्रेंथ को, रिएक्टिविटी ऑर्डर को बढ़ाता है या घटाता है। ये दो तरीके होते हैं, प्लस आई माइनस आई। एंड ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट या फिर एटम मॉलिक्यूल्स के लगने से बढ़ता या घटता है। तो ये काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन है। तो दो सेक्शन ए में तो सारे बहुत ही इजी दिख रहे हैं अभी तक तो मुझे। डिस्क्राइब एनी टू क्वांटिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये भी बहुत ही इजी है। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा होता है, उसको कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि आपका एल्डिहाइड हो गया एंड कीटोन हो गया, उसको कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। एंड इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एंड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं समझा सकता हूँ मैं, बट ये इजी है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे इसकी तो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। एंड शो द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एम्फेटामीन, एम्फेटामीन का स्ट्रक्चर बनाना एंड इसके यूज़ बताने। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, अगर इसमें मतलब ये आता है आता है, नहीं आता नहीं आता, तो इसको अगर आपने पढ़ के जाओगे तो आप कर लोगे, वरना फिर ऐसे कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये वैसे क्वेश्चन है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। इसके बारे में अगर आपने पढ़ा है तो ही लिख पाओगे, नहीं पढ़ा तो इसमें कुछ दिमाग लगा के भी नहीं कर तो पाओगे। अभी हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी में तीन क्वेश्चन है, तीन में से आपको दो करने हैं। इलस्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनीकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनीकॉफ रूल, एंड इसके ओरिएंटेशन को भी डिस्कस करना है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एंड मतलब इजी क्या, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है इसको, और ये आपको मिल जाएगा 12th की NCERT में भी। आप बेसिकली यूट्यूब की कोई भी वीडियो देख लोगे, अगर आप चाहते हो इस पर मैं डिटेल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म की वीडियो बनाऊँ तो भी आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ये सारे 12th के टॉपिक हैं बेसिक, अगर आपने 12th अच्छे से करी है तो ये काफ़ी इजी होगा आपको, बट अगर आपने 12th हल्के में ली थी ऐसे ही करके आ गए हो तो आपको थोड़ा सा टफ होने वाला है। एंड इलस्ट्रेट द SN1 एंड SN2 रिएक्शन, SN1 जिसने एलिमिनेशन E2E1 पढ़ा है उसके लिए ये भी इजी टॉपिक है। और ये जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन सी, इसमें से सात क्वेश्चन में आपको सिर्फ पांच क्वेश्चन करने हैं। तो पहला सा थोड़ा सा मतलब, ये तो यूनिट 1 का क्वेश्चन है,
डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, राइट नोट ऑन चेन पोजिशनल एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को बेसिकली इसने पूछ ही लिया है, तीन चार तरीके के जो होते हैं। एंड उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, राइट एक्सप्लेन द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ अल्कीन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन वुड्स रिएक्शन से शायद हो जाता है क्लोरीनेशन, मतलब हेलोजिनेशन। आप हेलोजिनेशन है बेसिकली, ये किसी भी अल्कीन का हेलोजिनेशन है, तो वो ड्राई ईथर की प्रेजेंट में भी और ड्राई ईथर डस्ट की प्रेजेंट में इसको हम करा देते हैं, तो काफ़ी इजी है, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन से ये। एंड दूसरा 1.2 and 1.4 एडिशन मैकेनिज्म इन कॉन्जुगेटेड डाइन विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये थोड़ा सा टफ है, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, अगर आपके बेसिक नहीं अच्छे हैं तो मुश्किल भी हो सकती है आपको। आउटलाइन द केमिकल टेस्ट फॉर अल्कोहल एंड गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ ग्लिसरॉल। ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ये सारे क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन की वीडियो बना के आपको ज़रूर अगले हफ्ते तक अपलोड कर दूंगा। अगर इस वीडियो में इसमें कमेंट्स में अगर आया कि आपको चाहिए इससे रिलेटेड सॉल्यूशन रिलेटेड वीडियो, एंड वही है इसमें सारे नेम रिएक्शंस पूछ लिए हैं, केमिकल रिएक्शन सारे। डिस्कस द एसिडिटी ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑन दियर एसिडिटी। मतलब एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर उस पर सब्सटीट्यूएंट जो आते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप का सब्सटीट्यूएंट होगा, तो उनकी एसिडिटी को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, तो वो सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस करना है। एंड एलिफैटिक अमीन्स उसकी बेसिसिटी क्या होती है, मतलब एलिफैटिक अमीन्स की बेसिसिटी गैस और लिक्विड फेस में दोनों में अलग अलग होती है, तो उसी को इसमें डिस्कस करना है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी, ये हिसाब से ये शायद 2021-22 ईयर का पेपर है, मेरे हिसाब से काफ़ी इजी पेपर है। अगर जिन्होंने ट्वेल्थ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, पूरी ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूछ लिया इसने, तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन सारे क्वेश्चंस की और पिछले प्रीवियस ईयर 4 या 5 साल के अगर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस चाहिए आपको, तो आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो कि हाँ मुझे चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस हफ्ते तक ऐसे 4 या 5 साल के प्रीवियस ईयर के विद सॉल्यूशन सारी वीडियोज़ अपलोड कर दूँ। थैंक यू।